नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम सारे जीएस कर सिस की पूरी टीम इकट्ठी हुई है इस वीडियो के लिए। आज हमारी वीडियो का शीर्षक है वन ईयर ऑफ जीएसटी एंड यू। आज हमारे साथ हैं सुशील गुप्ता जी, योगेश हरजाई जी, राहुल जैन साहब, कुलदीप शर्मा जी, गुरजीत सिंह सर, अर्चना जैन मैडम, श्वेता अरोड़ा मैडम और मैं राजेंद्र अरोड़ा। दोस्तों सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुशील जी से और फिर एक एक करके सब टीम मेंबर्स से कि वो अपना अपना व्यू दे इस जीएसटी के एक साल के बीतने पर और साथ ही साथ एक सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम, लॉ, प्रोसीजर्स एंड एवरीथिंग। स्टार्ट करेंगे सुशील जी से। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी को इंट्रोड्यूस हुए भी करीब आज की डेट में एक साल हो चुका है। अगर हम इस जीएसटी को गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। जो फर्स्ट 9 मंथ से इंट्रोडक्शन के उसमें जो जीएसटी से कलेक्शन थी डेट वाज अराउंड 89,000 करोड़ रुपीस पर मंथ, जो अब मई 2018 में इंक्रीज होकर के हो गई 96,000 करोड़ रुपीस। अगर हम इसको देखते हैं इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो ये एक बम्पी राइड थी जिसमें कुछ उनको शुरू में इनिशियल टीडिंग ट्रबल्स आई थी, लेकिन अब वो मोर और लेस सेटल हो चुकी है डिस्पाइट की करीब 300 के करीब नोटिफिकेशन आई है। लेकिन अब जो इंडस्ट्री है उसने जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसको कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, जो इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है और अब हम उम्मीद कर रहे हैं जो 21 जुलाई को जो इस वीकेंड पर आना है उसमें जो चेंजेस होने हैं या जो प्रपोज अमेंडमेंट है उससे जो है इंडस्ट्री के अंदर खुशी की लहर और आ जाएगी। थैंक यू सर, मैं योगेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपने व्यूज बताएं। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी जब एक साल पहले आया तो इट वॉज लुक्ड अपॉन एज वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म जो कि इंडियन टैक्सेशन रिजीम में आया इंडिपेंडेंस से अब तक का। बट इस एक साल में जो जो कोशिशें सरकार ने की, मल्टीपल टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट किया एक में, पुराने लॉस की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी सेटल करने की कोशिश की गई, खत्म करने की कोशिश की गई, टेक्नोलॉजी का और ज्यादा यूज प्रपोज किया गया ताकि कंप्लायंस इजी हो, रेवेन्यू लीकेजेस जहां जहां भी थे वो प्लग हो। बट जब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो सर्वर थे, जो सिस्टम थे, शायद उसके अकॉर्डिंग तैयार नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में जो प्रोसीजर और कंप्लायंस इश्यूज थे वो बढ़ गए। हमारी रिटर्न्स की प्रॉब्लम्स, 3 रिटर्न्स जो पहले प्रपोज हुई थी वो घट के आज की डेट में GSTR 3B और 1 पर रह गई है। डेट्स आगे बढ़ती जाती है, आज की एक डेट है लेकिन क्योंकि प्रॉब्लम्स है सिस्टम में वो आगे शिफ्ट हो जाती है। रिफंड में बहुत इशू आए, रिकंसिलेशन नहीं है सर्वर्स के, सिस्टम्स के, तो रिफंड इशू होने में प्रॉब्लम आए, एक्सपोर्टर्स को इनके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई। तो एज अ लॉ तो मैं जीएसटी को पूरे नंबर दूंगा कि एक बहुत ही अच्छा लॉ आया जिसने चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, बट इन प्रोसीजर एस्पेक्ट मैं चाहूंगा कि इसमें और ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है ताकि ये और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो सके। थैंक यू। राहुल जी नमस्कार दोस्तों, थैंक यू इंद्र जी जो आपने अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए यहाँ पे और जीएस कर टीम को। तो पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी बड़ा काम करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू वार्म अप। तो जो पहला साल है ये वार्म अप का था हमारा, अब नाउ वी आर गियर्ड अप टू वर्क हार्ड फॉर अ जीएसटी, क्योंकि ये एक बिजनेस रिफॉर्म है और एक पूरा का पूरा सिस्टम का रिफॉर्म है। तो स्टार्टिंग में कोई भी रिफॉर्म होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, प्रॉब्लम आती है, तो सारी प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे दूर होती है। काफी हद तक हम बहुत क्लोज आ गए हैं कि हम बहुत सही तरह से जीएसटी को समझ पा रहे हैं। एक बच्चा बच्चे को बताए कि जीएसटी इंडिया में लग चुका है। तो जीएसटी पॉजिटिव है अगर देखा जाए तो डीमोनेटाइजेशन के बाद जो नया स्टेप, जो बड़ा स्टेप लिया था गवर्नमेंट ने वो जीएसटी का लिया था। और इसके लिए एक सजेशन अगर मैं देना चाहूँ पूरी टीम की तरफ से ज्यादा ट्रेनिंग्स होनी चाहिए डिपार्टमेंट की, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए प्रोफेशनल्स की और जो भी इंडस्ट्री में नए नए जो बिजनेसमैन है उनकी भी। तो ये एक बहुत बड़ा ही विषय है ताकि सब लोगों का जीएसटी पूरा क्लियर हो। थैंक यू। अच्छा, और राहुल जी आपने ये नहीं कहा कि जीएसटी बच्चे बच्चे को पता तो है लेकिन आपने ये नहीं कहा कि जीएसटी बच्चा बच्चा जानता है और रिटर्न बच्चा ही फाइल कर देगा। कुलदीप सर नमस्कार दोस्तों, जब से जीएसटी आया हम ये सुनते आ रहे हैं कि ये बड़ा सिंपल एक्ट है, बड़ा आसान है। तो क्या ये आसान है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम पहले किस इरा में थे, क्या वो आसान था या ये मुश्किल है। तो पहले हमारे 17 एक्ट थे, कितने एक्ट, कितने हमारे रिटर्न्स, कितनी लास्ट डेट, डिफरेंट डिफरेंट रूल्स, किसी में अलाउड है, किसी में अलाउड नहीं है, कहीं टैक्सेस का भी क्रेडिट नहीं है। तो पहले वाला जो कितने फॉर्म्स थे, तो पहले वाला जो इरा था वो बहुत डिफिकल्ट था।
और हमें उसको आदत थी पिछले 20 साल से 25 साल से 40 साल से हम उसमें जी रहे थे। तो एक सरकार की एक अच्छी नीयत के साथ एक अच्छा टैक्स आया है, इसको मैं सिंपल अगर नहीं कहूँगा तो सिस्टमेटिक जरूर कहूँगा। ये एक सिस्टमेटिक टैक्स है। करंट ईयर में ये टैक्स आया, एक साल कंप्लीट हुआ, बहुत सारी नोटिफिकेशन आई, धीरे धीरे ये सिंप्लीफिकेशन इसमें हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हो गई हैं। तो धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सेटल हो जाएगा और बड़ा सिंपल एक्ट रहेगा और सबके लिए अच्छा रहेगा, आसानी से सबको विजिबल रहेगा, क्रेडिट आपको दिख पाएगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, बिजनेस भी आपके ट्रांसपेरेंट रहेंगे और आपकी असेसमेंट्स भी ट्रांसपेरेंट रहेंगी, तो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी और आपका डिपार्टमेंट में डेली जाने का जो डेली आपका विजिट रहती है वो आपकी काफ़ी कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये एक सिस्टमेटिक एक्ट है। और अगर मैं सजेशन की बात करूँ तो मैं राहुल जी से बिल्कुल एग्री करता हूँ, डिपार्टमेंट के लोग अभी भी पुराने इरा में जी रहे हैं, वो अभी भी सर्विस टैक्स और वैट की तरह इसको समझ रहे हैं, तो उनकी थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको थोड़ा लॉ समझाने की जरूरत है। उसके साथ ही थैंक यू सर। गुरजीत सर, वीर सर जी, GST लागू हुए तो एक साल हो गया, 1 जुलाई 2017 से आया था, लेकिन इस पर काम तो दसियों साल से, मोर देन अ डिकेड से चल रहा है। वाजपेयी जी ने पहली बार इसके ऊपर काम शुरू किया था, फिर चिदम्बरम जी के टाइम पर इसका एक बिल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की गई थी पार्लियामेंट पे, उस पर काम होता रहा, पीछे एक्सपर्ट्स ने बहुत अलग अलग देशों में जाकर भी जीएसटी को स्टडी किया और फाइनली 1 जुलाई 2017 से आ गया। जैसा कि बोला मेरे कोलीग्स ने, जीएस कर्सिस की टीम के कोलीग्स ने, कि मल्टीपल टैक्सेस थे जो आके इसमें एक टैक्स बन गया, टैक्स बहुत अच्छा आया बहुत। लेकिन मैं बात करूंगा थोड़ा सा स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लिए, MSME सेक्टर, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स भी हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा हो गए, 1 करोड़ से ज्यादा क्रॉस कर गए, तो मैक्सिमम जो टैक्स पेयर्स हैं वो ट्रेडर्स यानी या स्मॉल इंडस्ट्रीज के हैं, और स्मॉल इंडस्ट्रीज में से जो ट्रेडर्स लोग थे वैट के सिर्फ थे, वो पहले भी सिर्फ एक ही टैक्स के यूज थे वैट में, तो और के नहीं थे, तो उनके लिए ये प्रोसीजर्स वगैरह और लॉ अपने आप में उनको काफी मुश्किल लगा इसके बीच में आने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ बात करें तो सरकार रिस्पॉन्सिव बहुत रही है, काफी तरीके के चेंजेस, अगर टेक्निकली पोर्टल तैयार नहीं था या कहीं पर कुछ नहीं थे रूल्स, तो रूल्स में अमेंडमेंट, नए नए रिलीफ के लिए नोटिफिकेशंस लाना, रिटर्न्स नहीं चले तो उनको ड्रॉप कर देना, रिटर्न टू GSTR 2 एक महीने के लिए आया उसके बाद छोड़ दिया, 3 की जगह 3B आ गया, आजकल सिर्फ नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए GSTR 1 और सिर्फ 3B चल रहा है। तो गवर्नमेंट काफी रिस्पॉन्सिव रही है, रिलीफ बहुत दे रही है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम जो टैक्स पेयर्स हैं उनको भी मैं कहूंगा कि उनके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि जो वो पहले अगर वैट रेजीम में थे या एक ही टैक्स में थे या सर्विस प्रोवाइडर्स भी थे, दोनों तरीकों के लिए मैं ट्रेडर्स को भी बोलूंगा और प्रोफेशनल्स जो छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर्स थे तो उनको अपने जो सामान उन्होंने गुड्स अपनी सर्विसेज के लिए यूज करते थे उसका ITC नहीं मिलता था, जो लोग ट्रेडिंग में थे उनको सर्विस टैक्स के इनपुट्स नहीं मिल पाते थे, तो अब उनको वो इनपुट्स दे सकते हैं, उनका यूज करें, ज्यादा से ज्यादा फायदा अपना उसमें से यूज करने की कोशिश करें क्योंकि वो अवेलेबल है। और काम अभी बहुत बाकी है, GST एक्ट में भी प्रपोज्ड है अमेंडमेंट्स, तो चल भी रहा है, काफी प्रपोजल्स हैं, लॉज में भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अगर बोले कि क्या सबसे ज्यादा होना चाहिए तो मेरी तरफ से तो मैं तो यही कहूंगा कि जो टैक्स के मल्टीपल रेट्स हैं उनको कुछ कम किया जाए, और सबसे बड़ी बात कि ये जो 28% का स्लैब है, हाईएस्ट स्लैब और उसके ऊपर सेस वाला भी, वो कम होना चाहिए। 28% तो बहुत सारी कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जो डेली यूज के आइटम्स हैं और उनके ऊपर भी, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, एक मोटरसाइकिल पार्ट्स के ऊपर 28%, तो टैक्स स्लैब और मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस पे काम होना बाकी है। फेवर में ये बात कि सरकार बहुत रिस्पॉन्सिव है और बहुत रिस्पॉन्स वो फटाफट देते जा रहे हैं, काम अभी बहुत बाकी है लेकिन काम हो भी बहुत रहा है। थैंक यू सर। अर्चना मैम। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम होल ऑफ माय टीम इनटू द सेकंड ईयर ऑफ दिस GST एरा। आई विल टॉक अबाउट एज माय कोलीग्स हैव टॉक्ड अबाउट द ग्लिचेस एंड द रिफंड प्रोसेसेस एंड द कंप्लायंसेस दैट हार्डशिप द SSE हैज बीन फेसिंग। If I talk about pre-GST era and post-GST era in one segment, and that is refund segment. So earlier we have to comply many notifications. There were different notifications for different types of assessees, and there were a condition of LUT or status holder only in case of goods, and there was nothing called LUT or status holding in case of export of services. Now if I talk about this current GST era,
So they have taken away this condition. Now everybody is eligible, whether it is an export of goods or export of services, to export without the payment of tax on the basis of LUT. Secondly, earlier we used to have upfront exemption in case of SEZ, and there was some abatement. Again, just to have insurity about the seamless flow of ITC, they have taken away these abatements and the exemption. So, in the definition of zero rated services, SEZ has been included so as to take away the hardship of an SEZ unit or the SEZ assessee. And now comes the topic of abatement. As long as abatements are concerned, in GST era, we have seen this budgetary support system that has been introduced by the state government in order to help those assessees who were in the exemption areas. So as Gurjit sir has rightly said, department, government has been really cooperating very well with this new change, and they are helping the new SSCs, or they are helping the small scale industries or SMEs or MSMEs, so that the hardship of the block money in case of ITC refund or even in case of IGST refund in case of goods, they are taking care of those. And again, they have introduced many melas, and currently also this third fortnight in case of refund is going on. So I appreciate all the efforts that government are taking here in this post GST era to get the refund process as early as possible and help the SSCs in ease of doing business. And if I talk about like one takeaway or one suggestion that I would like to give, is that there should be a synchronization of the portal along with the refund laws and the notification, the various notification that has been issued in relation to refunds. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Shweta ji, please. Hello friends, GST is a biggest reform in India. पहले मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे अलग अलग काउंट होते थे. मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक्साइज लगता था, सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था और ट्रेडर के ऊपर वैट लगता था, और हर किसी को क्रेडिट एक दूसरे का शिफ्ट करना अलाउ नहीं था. तो जो भी हमारी अदर कॉस्ट होती थी, ट्रेडर की अगर एक्साइज की कॉस्ट है, वो सब हमें कॉस्ट में शामिल करनी पड़ती थी. आज की डेट में मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है सेक्शन 16 मुझे सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट अलाउ करता है. जीएसटी में मेरा जो भी मुझे परचेज करती हूँ मैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर से करूँ, ट्रेडर से करूँ या सर्विस प्रोवाइडर से करूँ, मुझे उसका इनपुट मिल जाता है और वो मैं अपने आउटपुट के साथ सेटअप कर सकती हूँ. तो जीएसटी के अंदर आपका सारा सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट हुआ है, इससे हमें लॉन्ग रन में भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग में भी बेनिफिट मिलेगा. थैंक यू. थैंक यू श्वेता जी. दोस्तों, नाउ इज माय टर्न टू से माय व्यू अबाउट द सब्जेक्ट. दोस्तों, हम सब जानते हैं कि चेंज इज द ओनली फैक्टर व्हिच इज कांस्टेंट, एंड फॉर एनी चेंज, वेदर इट इज गुड और बैड, टाइम एंड पेशेंस इज रिक्वायर्ड. समय और सब्र दोनों चाहिए. तो सिमिलरली जीएसटी के लिए भी हमें समय और सब्र दोनों देना है. जैसे कि मेरे सारे जीएस कर्सेस के कलीग्स ने कहा कि हमें जो है पोर्टल से रिलेटेड, और बाकी सबसे सुशील जी ने कहा कि बम्पी राइड है. मैं दोस्तों सिर्फ दो बातें कहूंगा. एक तो श्वेता जी से बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूं, आई एम इन एग्रीमेंट, कि जो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंटर सेक्टोरियल क्रेडिट था पहले, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो एक सेक्टर का दूसरे से एडजस्ट नहीं हो पाता था, वो हमारी कॉस्ट बनता था और वो कॉस्ट कंज्यूमर को बियर करनी पड़ती थी. वो अब ऐसा नहीं होगा. हालांकि श्वेता जी और हम सब एक बात से एग्री करेंगे कि हमें ये जो ब्लॉक्ड क्रेडिट है इनके ऊपर भी क्लैरिटी और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, क्योंकि ये भी उस वेरी पर्पस को, जो फ्री फ्लो ऑफ सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट का जो बेसिक पर्पस है इस एक्ट का, उसको ब्रेक करता है, उस चेन को ब्रेक करता है. इस ब्लॉक क्रेडिट की वजह से यहां पर कैस्केडिंग इंपैक्ट अभी भी आ रहा है. कुछ प्रपोज चेंजेस हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि हम लोग ये देखेंगे वो ब्लॉक क्रेडिट्स पे और क्लैरिटी है, लेकिन अभी भी और भी ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है. इस इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबिलिटी की वजह से दोस्तों, मैं ये विजुलाइज करता हूं कि आने वाले दो से तीन सालों में जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है कॉमन मैन की, वो कम से कम 10% रिड्यूस हो जाएगी. इसका मतलब जिस गिवन मनी लेवल ऑफ इनकम से मैं एक एक्स आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स खरीद सकता हूं, मैं एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स एक्स्ट्रा खरीद पाऊंगा. दोस्तों, गुरजीत सर ने बहुत क्लैरिटी से कहा कि हमारे गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिव अबाउट चेंजेस. मैं इस बात को एक वेलकम स्टेप मानता हूं कि वो एक बहुत ही अडेप्टेबिलिटी के साथ, रिस्पॉन्सिवनेस के साथ जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस थे उसको सूटेबली लेकर आए हैं, रैशनलाइज कर रहे हैं चीजों को.
सर ने एक और बात कही कि जो रेट्स को रैशनलाइज करना है, सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हम सबको कि एक एयर कंडीशनर जो है वो 28% की आइटम है, उसकी लिस्ट में जुड़ा हुआ है। क्या हमें ये लगता है या सरकार को ये लगता है कि क्या एयर कंडीशनर एक ह्यूमन इंडिस्पेंसिबिलिटी नहीं है आज की परिपेक्ष में, आज की स्थिति में, तो क्यों उसको 28% में अभी भी रखा गया? इस तरह की बहुत सारी आइटमें हैं जो रैशनलाइज होने चाहिए, जिनके ऊपर टैक्स रेट रैशनलाइज होने चाहिए। पेंट है, पेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा सजेशन यहां पर ये है इस पूरे एक साल बीतने के बाद कि वैल्यूएशन में क्लैरिटी आनी चाहिए, वैल्यूएशन रूल्स से रिलेटेड चीजों को लेकर क्लैरिटी आनी चाहिए। और जो कि मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का बहुत ज्यादा एडवोकेट करता हूं उस बात को, तो जो सीजीएसटी एक स्टेट का है वो सीजीएसटी शुड बी मेड अवेलेबल टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट दूसरे स्टेट के सीजीएसटी से। दोस्तों आज और एक और बात यहां पर मैंने लिखा था यहां पर कि जो एग्जम्पशंस हैं दोस्तों, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में जितनी ज्यादा एग्जम्पशंस होंगी उतनी ब्लॉकेजेस और क्रिएट होंगी। जो एग्जम्पशंस हैं वो मिनिमम एग्जम्पशंस होनी चाहिए, रिक्वायर्ड एग्जम्पशंस होनी चाहिए, हर एवरी अदर स्टेज पे एग्जम्पशन नहीं होनी चाहिए जिससे कि फ्लो ऑफ क्रेडिट ब्रेक हो जाता है, क्रेडिट बिकम्स कॉस्ट एंड दैट इज पास टू द कंज्यूमर, उसके प्राइसेस राइज हो जाते हैं इनपुट्स के। दोस्तों आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैं सारी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूं, और अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।